अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के वड़े बनाएंगे, यानी कि आलू वड़ा। आलू वड़ा बनाने के लिए आलू हमने लिए हैं आधा किलो। इनको हमने उबाल कर मैश कर लेना हरा धनिया है। कटा हुआ लेंगे आधा कप, हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई लेंगे, जी गार्लिक क्रश किया हुआ यानी कि लहसुन क्रश किया हुआ लेंगे 1 टीस्पून, करी पत्ते लेंगे 6, कुकिंग ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून। मसालों में हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून या 2 टेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून या 2 टेस्ट, चाट मसाला लेंगे 1.5 टीस्पून या जितना भी आप लाइक करें उतना ही डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत जीरा लेंगे 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड सीड लेंगे 1/2 टीस्पून, बेसन लेंगे 1 कप भरकर। अब हमने बेसन लेना है, बेसन को आप चाहें तो छान लें। बेसन हमने लेना है 1 कप, इसको हमने छान लेना है। इसमें हमने हल्दी का पाउडर डाल देना है 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, जितना आप नमक खाते हैं उतना ही। अब बेसन के अंदर हमने पानी डालकर इसको हमने बैटर बनाना है, जैसे हम पकौड़े वाला बैटर बनाते हैं इतना ही थिक होना चाहिए। अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ये आप देख लें पकौड़े वाले बैटर की तरह ही होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर बनाएंगे। अभी हम मिक्स करके फिर आपको बैटर दिखाते हैं। बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, स्मूथ कर लिया है। इस तरह से होना चाहिए, पकौड़े वाले बैटर से थोड़ा सा पतला हो, इस तरह से बहता हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू का वड़ा लगाकर इसको हमने फिर फ्राई करना है। इस तरह से बैटर होना चाहिए, पकौड़े वाले बैटर से थोड़ा सा पतला हो, ये आप देख लें। अब हमने मीडियम आग पर एक पैन को गरम कर लेना है। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है 2 टेबल स्पून, साथ ही हमने लहसुन डाल देना है, फ्रेश चॉप किया हुआ डालेंगे 1 टीस्पून, लहसुन डालकर मिक्स कर देंगे। इसमें हमने करी पत्ते डाल देने हैं 6, मस्टर्ड सीड डाल देने हैं 1/2 टीस्पून, साबुत जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब हमने 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है ताकि लहसुन की खुशबू आ जाए। इस तरह से हमने मिक्स करते रहना है। लहसुन की अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। लहसुन की खुशबू अब आने लग गई है, हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब हमने इसमें मैश किए हुए आलू डाल देने हैं। आलू हमने आधा किलो लेकर इनको उबाल कर हमने छिलका उतार कर इनको हमने मैश कर लेना है। आलू डालकर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि नीचे से जले ना। आग को अब मीडियम से थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। अब हमने इसमें नमक डाल देना है। नमक हमने 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक, ये आप देख लें, नमक और मिर्च जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ली है, ये चाट मसाला 1 टीस्पून। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आप टेस्ट कर लें, जितनी नमक की, चाट मसाले की और लाल मिर्चों की ज़रूरत हो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस मिक्स करके फिर हम इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर लेंगे।
नमक मिर्च और चाट मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक करने के बाद अब हमने इसमें हरा धनिया डालना है, आधा कप कटा हुआ, बारीक चॉप किया हुआ, दो हमने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब आग को हमने बंद कर देना है। अच्छी तरह से नमक और मिर्च और हरी मिर्चें, हरा धनिया, सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स करके आग को हमने बंद कर लेना है। अब आलूओं को हमने ठंडा कर लेना है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप चाट मसाला, नमक और मिर्च डालें, जितना आप खाते हो। कम खाते हैं तो कम डालें, अगर ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसमें ऐसी मेजरमेंट वाली कोई चीज़ नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमने आलूओं को ठंडा कर लेना है। आलूओं को हमने इस तरह से दबाकर अच्छी तरह से थोड़े स्मूथ कर लेना है। अब आलू थोड़े ठंडे हो गए हैं, इसको आप खाकर देख लें, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, मिर्च, चाट मसाला, जितना आप चटपटा करना चाहें डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स करके स्मूथ कर लें। अब हमने हाथों पर हल्का सा बटर लगा लेना है या कुकिंग ऑयल लगा लें, बिल्कुल हल्का सा। अब हमने इसके बॉल्स बना लेने हैं। इस तरह से बॉल्स बनाकर हल्का सा ऊपर से दबा लें। ये बॉल्स बन गया, हल्का सा दबाना है ऊपर से। इस तरह से हमने सारे बॉल्स बनाकर एक प्लेट के अंदर रखते जाना है। सारे बॉल्स हमने बना लेने हैं। सारे वड़े हमने इस तरह से बनाकर रख लेने हैं। इस तरह से हमने आलू वड़ा बनाकर प्लेट के अंदर सारे रख लेने हैं। अब हमने एक वॉक में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप आइडिया है एक, अगर आप ज़्यादा चटपटा चाहते हैं तो इसमें आप लाल मिर्च और थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, उससे ये कि ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऑयल को आप चेक कर लें मीडियम आग पर। अब हमने एक वड़ा लेकर, आलू का वड़ा लेकर इसके अंदर हमने डिप करना है। इसको हमने बेसन लगा लेना है। बेसन लगाकर इनको हमने फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह से बेसन का बैटर लगाकर आलू के वड़ों को हमने फ्राई कर लेना है। मीडियम आग पर अभी हमने इनको हिलाना नहीं है, थोड़ी देर हमने इनको ऐसे ही फ्राई होने देना है। अब हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको पलट कर इस तरह से दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है, गोल्डन कर लेंगे दोनों साइडों से।
आलू बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने एक प्लेट में पेपर टॉवल बिछाकर इसके ऊपर हमने इनको निकाल लेना है। पेपर टॉवल के ऊपर रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ऑयल जो है वो निकल जाए। इसी तरह हमने सारे आलू के वड़े जो हैं इनको हमने फ्राई कर लेना है। आलू का वड़ा आप देख लें, बहुत ज़्यादा देर तक आपने इनको फ्राई नहीं करना वरना ये टूटने लग जाएंगे। इस तरह से बस बेसन थोड़ा थोड़ा तो पतला सा लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा देर तक हमने इनको फ्राई नहीं करना। ये थोड़े नरम ही होते हैं कि आप देख लें, इस तरह से हमें इनको फ्राई करना है। आलू के वड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने हैं, बेहतरीन जायका है। इस तरह से हमने इनको सर्व करना है, एक प्लेट में रखेंगे। इसके ऊपर हमने इमली की चटनी डालनी है। इमली की चटनी डालेंगे खट्टी मीठी। इसके ऊपर आप पुदीने की चटनी भी डाल सकते हैं एक साइड पर। दो चटनियों के साथ आप इनको खाइए, इमली की चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब हमारे मज़ेदार आलू के वड़े तैयार हैं, हम आपको एक तोड़कर भी दिखा देते हैं। इस तरह से होते हैं अंदर से। इसके ऊपर आप इमली की चटनी डालिए और मज़ा लीजिए, बेहतरीन जायका है। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कॉमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।